हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक कन्फर्मल मैपिंग में। सब टॉपिक देखने जा रहे हैं इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, उसका इमेज आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अभी हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। तो उसे हम इंडिकेट करेंगे एफ ऑफ जेड और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो वेयर यू इज़ अ रियल पार्ट, आई वी इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, और इसके पहले हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंडिकेट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और एक्स इज़ अ रियल पार्ट, आई वाई इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको इमेज ऑफ अ इमेज फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो आपको सबसे पहले जेड प्लेन ड्रॉ करना है एंड डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जेड प्लेन में जब हम ड्रॉ करते हैं तो जेड इज इक्वल्स टू हमें पता है एक्स वाई होता है, एंड डब्ल्यू प्लेन हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होता है। तो जब भी हमें इमेज ड्रॉ करना है तो ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब हम जेड प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे रियल टर्म होता है, मतलब यहाँ पर एक्स टर्म रियल टर्म, इसे रियल टर्म बोलते हैं, और ये इमेजिनरी टर्म है, एक्सेस है। तो यहाँ पर हमारा वाई रहेगा, यहाँ पर हमारा एक्स रहेगा। और जब हम डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ करते हैं तो डब्ल्यू प्लेन में भी सेम रियल पार्ट, ये हमारा यू रहेगा एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी टर्म वी हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ट्राई करते हैं समझने के लिए कैसे हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये एग्जांपल है, फाइंड द इमेज ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय एक्स जीरो वाई एक्स थ्री वाई जीरो वाई टू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन प्लस आई। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें जेड प्लेन ड्रॉ करना है। जेड प्लेन के लिए हमारे पास एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स, वो हमें दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम जेड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं गिवन कंडीशन, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से। ठीक है, तो वी हैव एक्स इक्वल जीरो एक्स थ्री वाई जीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू टू। तो देखिए अभी हमें पता है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमें पॉइंट्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, प्लस टू थ्री, ये माइनस वन टू थ्री, ये माइनस वन टू थ्री वाई। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट क्या है, एक्स इज ज़ीरो, एक्स इज ज़ीरो मतलब दिस हियर एक्स इज ज़ीरो, एक्स इज थ्री वन टू थ्री, ये हमारा एक्स इज थ्री। तो ये हमारा हुआ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री और ये हमारा पॉइंट हुआ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स दिस, ये है वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ये है हमारा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्या दिया, वाई इज इक्वल्स टू टू, वाई वन टू, ये हमारा वाई इज इक्वल्स टू टू। ओके, तो ये जो बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई थी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे, उसके हेल्प से हमें इमेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जेड प्लेन। ओके, अभी हमें क्या बताना है, यहाँ पर देखिए जो हमारी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है जेड प्लेन की, उसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन में। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू प्लेन के लिए यू और
वी के लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस आई, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस आई दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हमें क्या करना है, इसे यू प्लस आई वी के फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको जेड दिखे, जेड का हमें पता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। ओके, तो ये डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब यू प्लस आई वी, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस वन आई। अभी हम रियल टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे, इमेजिनरी टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे, तो हमारा x प्लस वन एंड i y प्लस वन। तो अभी देखिए u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड v इज इक्वल टू y प्लस वी। अभी हमें क्या करना है, अभी जो भी हमारे पास x और y के बाउंड्री के कंडीशंस दिए थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए थे, उसके हेल्प से हम u और v के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वेन x वॉज ज़ीरो, अभी हम यहाँ पर x का वैल्यू u में पुट कर देंगे, तो हमें u क्या मिल जाएगा, वन। वेन x इज इक्वल्स टू टू, जब हमारा x टू था, सॉरी थ्री था, तो हमें u क्या मिल जाएगा, टू प्लस वन, टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री। वेन y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयर फोर v में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वन मिल जाएगा। वेन y इज इक्वल्स टू टू, देयर फोर v का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, टू प्लस वन थ्री। तो अभी देखिए, अभी हम ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या प्लॉट करना है, w प्लेन, हम w प्लेन प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा x एक्सिस पे u है और रियल पार्ट, और y एक्सिस में मतलब इमेजिनरी पार्ट v है। तो हम u को x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, v को y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये ज़ीरो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू, सॉरी v, u इज इक्वल्स टू वन, u इज इक्वल्स टू वन, तो ये हमारा u इज इक्वल्स टू वन हुआ। u इज इक्वल्स टू थ्री, वन टू थ्री, ये u इज इक्वल्स टू, ये u इज इक्वल्स टू वन हुआ, ये u इज इक्वल्स टू थ्री हुआ। अभी हमें क्या बोल रहा है, v इज इक्वल्स टू वन, v इज इक्वल्स टू वन, ये v इज इक्वल्स टू वन हुआ, और v इज इक्वल्स टू थ्री, ये हमारा v इज इक्वल्स टू थ्री हुआ। ठीक है, तो अभी ये जो चारों बाउंड्रीज है, जो चारों इक्वेशन दिए थे, उनके हेल्प से जो कॉमन एरिया बन रहा है वो हमारा रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। ओके, तो इसके देखो, ये जेड प्लेन का हमारा इमेज बन रहा है, सॉरी डब्ल्यू प्लेन का इमेज बन रहा है, और इसके पहले हमने देखा था ये जेड प्लेन का इमेज बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो और आगे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट। देखिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस एंड डिटरमाइन द रीजन इन द डब्ल्यू प्लेन इन विच इन टू विच द रेक्टेंगुलर बाउंड्री बाय एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एक्स वन वाई टू इन अ जेड प्लेन। ठीक है, और हमें इसे इसका स्केच ड्रॉ करने के लिए बोला है। यहाँ पे हमें डब्ल्यू प्लेन के लिए इक्वेशन दिया हुआ है और जेड प्लेन के लिए हमें जो कंडीशंस दी हुई है, बाउंड्रीज दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जेड प्लेन की मतलब एक्स और वाई जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उसके हेल्प से हम जेड प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन वी हैव, देखिए हमारे पास जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं गिवन कंडीशन, और उसके हेल्प से, ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है जेड प्लेन के लिए, पहले हम जेड प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर रहे हैं, हम जेड प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। जेड प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी टर्म वाई है। तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ओके, यहाँ पर x क्या है, ज़ीरो, x इज ज़ीरो इज मतलब ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। y इज इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब दिस
इज वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन हमारा वाई इज इक्वल्स टू जीरो होता है। एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन मतलब दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू वन, और वाई इज इक्वल्स टू टू, तो ये हमारा हुआ वाई इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जो चारों बाउंड्री दी थी उसमें जो कॉमन एरिया बन रहा है, वो कॉमन एरिया क्या है, एक लाइन हमारा ये था, एक लाइन हमारा ये था, दूसरा ये था और एक ये था। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमें जो रीजन मिल रहा है बाय बाउंड्री, गिवन बाउंड्री। तो ये हमारा जेड प्लेन हुआ, जेड प्लेन में हमने देखा रेक्टेंगल हमारा कैसे बन रहा है। ओके, तो ऐसे ही अभी पहले हम अभी डब्ल्यू प्लेन के लिए हमारा क्या स्केच होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डब्ल्यू प्लेन दिया हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस, पहले इसको हम यू प्लस आई वी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यू और वी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं जेड प्लेन और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें डब्ल्यू क्या दिया हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन प्लस आई जेड प्लस टू माइनस आई। तो हमें क्या करना है, W क्या होता है, U प्लस आई वी। तो हम पहले W की जगह पे U प्लस आई वी लिख लेते हैं, और जहाँ पर Z है, Z हमें पता है X प्लस आई वाई है, तो हमने वहाँ पे Z की जगह पे X प्लस आई वाई लिख दिया है। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जो रियल टर्म है रियल टर्म एक साथ लाएंगे, इमेजिनरी टर्म है एक साथ लाएंगे। पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, X प्लस आई एक्स आई वाई, देखिए यहाँ पे आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस वन, और प्लस टू माइनस आई, तो सारे रियल टर्म जो है एक साथ लेके आएंगे और इमेजिनरी टर्म है एक साथ लेके आएंगे। तो रियल टर्म x माइनस वाई और टू, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस टू, एंड इमेजिनरी टर्म क्या है हमारा x प्लस वाई माइनस वाई। ओके, तो ये हमें u प्लस आई वी के फॉर्म में मिल गया है। तो वेयर u इज इक्वल्स टू वॉट, x माइनस वाई प्लस टू, एंड v इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस वन। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से पहले हम u प्लस u और v के लिए इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और फिर x जो हमारा गिवन कंडीशन है x और y का, वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन वन है, ये हमने इसको इक्वेशन टू कंसिडर किया हुआ है। पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, मतलब यू प्लस आई वी किया, तो हमें क्या मिलेगा, यू मतलब एक्स माइनस वाई प्लस टू, और वी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू वॉट, ये एक्स वाई वाई गेट कैंसल्ड, और u प्लस वी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो हमें देखिए इक्वेशन मिल गया, u प्लस वी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो अभी हमें देखिए u प्लस वी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो अभी हमारा ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा x का बाउंड्री दिया हुआ है, वो कंडीशन अगर हमने इसमें पुट किया तो हमें u प्लस वी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन। तो हमें ये इक्वेशन u प्लस वी के लिए मिल गया। सेम अभी हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन, इसको अगर मैंने इसके साथ सब्सट्रैक्ट किया, ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब वन माइनस टू किया तो मुझे u माइनस वी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u x माइनस वाई प्लस टू माइनस, अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये हमारा x कैंसिल हो गया और ये माइनस टू वाई प्लस थ्री मिल गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू थ्री, इसे हम इक्वेशन भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट व्हेन जब देखिए हमने ऐड किया था उसमें हमने x का वैल्यू जीरो पुट किया तो हमें u प्लस वी मिल गया। अगर हम सेम इक्वेशन में यहाँ पर देखिए व्हेन
एक्स का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या है हमारे, एक्स वाई से एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एक्स वन वाई टू, ठीक है। तो अभी हम एक्स इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे। अगर मैंने इसमें एक्स इज इक्वल्स टू वन पुट किया तो हमें ये क्या मिल जाएगा, यू प्लस वी एक्स इज इक्वल्स टू वन। अगर यहाँ पे हमने वन पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्री। तो ये हमारा इक्वेशन सी मिल गया, ओके। और इसमें हम व्हेन वाई इज इक्वल्स टू, वाई क्या है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट जेड प्लेन का, टू। अगर इसमें हमने ये इक्वेशन में टू पुट किया दिस, तो हमें यू माइनस वी टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये हमारा कंडीशन डी मिल गया। तो ये जो अभी चारों आपको इक्वेशन मिले हुए हैं ए बी सी एंड डी, अभी ये चारों के हेल्प से हम डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ करेंगे। लेकिन देखो अभी ये चारों जो इक्वेशन मिले हुए हैं उसको उसका पहले हमें पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो चारों इक्वेशन दिए उसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो ही हम उसे प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ करना है, ओके। तो ये U और ये V हम क्या करने जा रहे हैं, W प्लेन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जब आपको W प्लेन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हमें चार इक्वेशन मिले हुए हैं, चारों इक्वेशन को पहले हमें पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, U प्लस V इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन U प्लस V इज इक्वल्स टू वन दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पुट U इज इक्वल्स टू जीरो। अगर इसमें हमने u जीरो पुट किया, देयर फोर हमें v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन। मतलब हमें एक इक्वेशन मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, जीरो एंड वन। अगर हमने ये इक्वेशन में पुट v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमने v जीरो पुट किया तो हमें क्या मिल गया, u इज इक्वल टू वन, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया वन एंड जीरो। तो अभी हमें ये इक्वेशन के लिए दो पॉइंट मिल गए। तो अभी मैं दोनों पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव, वन टू थ्री वन टू थ्री। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ये मेरा ज़ीरो वन हुआ, वन ज़ीरो वन एक्स ज़ीरो वाई। तो अभी ये मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन क्या हुआ, यू प्लस वी इज इक्वल्स टू वन, ओके। अभी मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ हमने, बी। व्हाट इज़ बी, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, यू माइनस वी इज इक्वल्स टू थ्री, ये मेरा इक्वेशन बी है। तो अभी हम इसमें यू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो अपना पॉइंट क्या हुआ, ज़ीरो एंड माइनस थ्री। अगर हमने यू वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया तो हमें यू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, थ्री। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, थ्री एंड जीरो। तो अभी हम ये इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो क्या है, थ्री थ्री ज़ीरो थ्री, ज़ीरो थ्री मतलब इधर वाई ज़ीरो है, ज़ीरो थ्री, और ज़ीरो थ्री ज़ीरो मतलब वन टू थ्री, ये यहाँ पे मेरा थ्री ज़ीरो है। तो अभी हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, सी। सी हमने क्या बनाया था, यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे हमें यू प्लस थ्री के लिए भी पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे हम यू इज इक्वल टू सॉरी यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री। तो अभी हम क्या करते हैं, पुट यू इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर वी इज इक्वल टू थ्री। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, जीरो थ्री। अभी हम पुट करते हैं, पुट वी इज इक्वल टू जीरो मतलब यू इज इक्वल टू थ्री। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, जीरो यू थ्री वी जीरो। तो अभी ये इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेते हैं, थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री ज़ीरो थ्री कहाँ पर आएगा, वन टू थ्री ज़ीरो थ्री, और थ्री ज़ीरो कहाँ पर आएगा, वन टू थ्री, यहाँ पर थ्री आएगा। मतलब ये और ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो प्लीज़ आप स्केल यूज़ करिएगा, मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप प्रॉपर स्केल यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन u माइनस वी इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पर एक बार हम u इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, देयर फोर वी इज इक्वल्स टू माइनस वन मिलेगा, मतलब पॉइंट ज़ीरो माइनस वन। पुट v इज इक्वल्स टू जीरो, देयर फोर हमें u इज इक्वल्स टू
वन मिलेगा, पॉइंट वन एंड जीरो। ठीक है, तो अभी हम ये इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो माइनस वन, पहले एक्स पे जीरो, वाई पे माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा, वन एक्स पे है, वाई पे ज़ीरो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम ये दोनों को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, u माइनस वन, यहाँ पे u माइनस वन इज इक्वल टू वी, सॉरी u v, u माइनस वी इज इक्वल टू वन, और ये u प्लस वी इज इक्वल टू वन था, और ये क्या है, थ्री एंड थ्री, माइनस थ्री एंड थ्री, ये क्या है, और ये कौन सा इक्वेशन है, दिस u प्लस वी इज इक्वल टू थ्री। तो अभी देखिए जो जो चारों इक्वेशन है, चारों इक्वेशन के हेल्प से जो कॉमन रीजन है उनका, वो क्या है, दिस दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा ये w प्लेन के लिए इमेज हो गया, और इसके पहले हमने z प्लेन के इमेज फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो होप आपको कुछ समझ में आया होगा। क्या करना है हमें, पहले x y w z प्लेन के लिए हमें बाउंड्रीज दी है, उसका हम स्केच बना लेंगे इजीली, और फिर w प्लेन के लिए हमें u प्लस iv के फॉर्म में प्लेन को कन्वर्ट करना है, फिर u और v का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, और फिर उसे हम w प्लेन के लिए ड्रॉ कर लेंगे। w प्लेन ड्रॉ करते समय ध्यान रखना, x एक्सिस पे हम u दिखाएंगे और y एक्सिस पे हम v दिखाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आप और टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन को ट्राई करिए। अभी हम बेस्ड ऑन सर्कल एग्जांपल देख लेते हैं, बेस्ड ऑन सर्कल, अगर अभी हमें सर्कल दिया हुआ है तो हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले हमें सर्कल का जो इक्वेशन है वो पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, इसका मतलब ये है सर्कल। ठीक है, वेयर आर इज रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और सेंटर, सेंटर क्या होता है, यहाँ पे x प्लस जीरो है, यहाँ पे y प्लस जीरो है, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं, यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, सेंटर हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब दिस। तो ये जो सेंटर इज ओरिजिन, x जीरो y जीरो, और रेडियस इज r, रेडियस इज r, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टू स्क्वायर, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू वॉट, टू। अभी मुझे सर्कल सर्कल बनाना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से क्या है, रेडियस इज टू, वन टू, रेडियस हमारा टू हो गया, टू से हमने ये सर्कल बना दिया। ठीक है, तो जिस हमने ये सर्कल बनाया जिसका रेडियस इज टू। ओके, अगर हमें देखिए अगर सर्कल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, एस टू प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हमें दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो अभी हमारा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो सर्कल का ही है, लेकिन इसमें रेडियस, व्हाट इज रेडियस, तो इसका हमारा रेडियस हो जाएगा टू, टू का स्क्वायर, मतलब आर इज टू। अभी मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेंटर सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ टू है, एक्स इज इक्वल टू टू, एंड वाई माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो वाई एक्स इज इक्वल टू, हम लोग माइनस टू यूज़ करते, यहाँ पे प्लस होता तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री यूज़ कर देते। तो अभी हमारा जो सेंटर है, सेंटर क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू थ्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री कहाँ पर है, टू एक्स वाई थ्री, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज टू, तो यहाँ पे हमने रेडियस टू लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा, रेडियस टू, जिसका सेंटर क्या है, दिस रेडियस टू, सेंटर इज टू एंड थ्री। ओके, दिस इज आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, टू। ठीक है, तो ये हमने पहले यहाँ पे देखा सेट सर्कल का इक्वेशन क्या था, और उसे हमने कैसे ड्रॉ किया। ठीक है, सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ये इक्वेशन रहेगा, इसका मतलब है सेंटर क्या है आपका, जीरो जीरो है, जब ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेगा तो आपको सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा,
तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारा सेंटर क्या मिला, टू एंड थ्री। यहाँ से आपको रेडियस टू लेना है और सर्कल बनाना है। ओके, तो देखिए जब हम अभी डब्ल्यू प्लेन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें कैसे मिलेगा, जेड मोड जेड इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब क्या है, आर हमें वन दिया हुआ है और जेड इज इक्वल्स टू वन, मतलब हम लोग का सेंटर क्या है, सेंटर इज ओरिजिन। एक्स और वाई का वैल्यू हमारा यहाँ पर जीरो होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड आर इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, जीरो, वाई के साथ क्या है, जीरो। तो हमारा सेंटर क्या हो जाता है, जीरो। ओके, तो होप अभी आपको कुछ टर्म समझ में आए होंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम जेड एंड डब्ल्यू प्लेन में प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फाइंड द इमेज ऑफ मोड जेड ए माइनस आई इज इक्वल टू ए अंडर द ट्रांसफॉर्म डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाय जेड। ओके, तो देखिए अभी हम पहले क्या करेंगे, जेड जेड प्लेन प्लॉट कर लेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे उसका, और फिर डब्ल्यू प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बेस्ड ऑन सर्कल है, मोड जेड इज इक्वल्स टू आर। ओके, तो ये हमारा बेस्ड ऑन सर्कल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेड माइनस ए आई इज इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमने जेड के जगह पे एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आई कॉमन ले लिया, वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम मोड हटाएंगे तो इसको स्क्वायर जाएगा, इसको स्क्वायर जाएगा, इज इक्वल्स टू दिस, इसका स्क्वायर जाएगा। ओके, अभी इसके हेल्प से हम इक्वेशन बना लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई और प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। ओके, तो देखिए पहले अभी ये हम इसके हेल्प से डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आर इज इक्वल्स टू वॉट, आर इज इक्वल्स टू ए, और हमारा सेंटर क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ जीरो है, यहाँ पे वाई के साथ माइनस ए, मतलब ए है। तो हमारा सेंटर वॉट इज सेंटर, सेंटर इज एक्स के साथ जीरो है, वाई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अभी हमारा सेंटर क्या है, जीरो ए, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव जीरो है और वाई एक्सिस पे कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, जीरो ए, ए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारा इस सेंटर हो गया। ठीक है, जीरो ए, दिस इज सेंटर। अभी हमें क्या करना है, ए, ए इज एनी नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं और उसका हमें रेडियस बनाना है। तो जीरो टू ए ना, जीरो टू ए, दिस इज ए। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया, तो हम इसका सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या था हमारा, जीरो ए, यहाँ पे हमने ए कंसिडर किया, तो सेंटर से ये ओरिजिन हमारा रेडियस हो जाएगा, तो इसका हमारा सर्कल बन गया। तो देखिए ये हमने जेड प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी हमें डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ करना है, जिसके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन बाई सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, जेड इज इक्वल्स टू, सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन बाई जेड, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन बाई जेड। तो अभी हम जो मेरे एक्स और वाई के जो वैल्यू है अभी मुझे इसमें पुट करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जेड इज इक्वल टू वन बाई डब्ल्यू हो गया। हमें पता है जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म अलग अलग करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है, अलग अलग है, लेकिन इसमें मुझे अलग अलग करना है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर रैशनलाइज करूँगा, मैंने अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो मुझे u माइनस आई वी अपॉन u इंटू यू, यू का स्क्वायर माइनस आई वी का स्क्वायर, तो ये हमें क्या दे देगा, u माइनस आई वी अपॉन u का स्क्वायर, यहाँ पे i का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस v का स्क्वायर। तो देखिए ये x प्लस आई वाई, अभी हम रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म अलग करेंगे, मतलब u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है, वेयर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये x और y का वैल्यू, इसके पहले हमने एक इक्वेशन बनाया था, देख ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन में हम x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे हमें u और v के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो लिखा था हमने, ओके। तो यहाँ पर हम x और y का वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पर मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया, और 2ay, तो यहाँ पर देखिए मुझे u या फिर v का वैल्यू मिल जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ दिस, और ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2av अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर, u प्लस v होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, मतलब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर से हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टू ए वी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस टू ए वी यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। यहाँ पर हम u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो हमें वन प्लस टू ए वी इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, ये टर्म जीरो के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा तो जीरो मिल जाएगा, मतलब a प्लस टू ए वी इज इक्वल्स टू जीरो मिल गया। तो देखिए ये वन वहाँ पे गया तो ये माइनस वन हो जाएगा और v का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस वन बाय टू ए, ठीक है। तो देखिए अभी हमें मुझे v का वैल्यू मिल गया, अभी मैं इसके हेल्प से डब्ल्यू प्लेन प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है डब्ल्यू प्लेन दिस इज अ u एंड दिस इज अ v, ओके। तो यहाँ पर हमें v का वैल्यू मिला हुआ वन बाई टू, नेगेटिव वन बाई टू मिला हुआ, मतलब वो किस तरफ जाने वाला है, नेगेटिव साइड जाने वाला है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू मिला u v इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये v इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, ये हमारा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो देखा हमने w z प्लेन में देखा हमने कैसे सर्कल था उसका, हमने जो u और v का जो भी वैल्यू था उसको, x और y का जो वैल्यू था उसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ था, w इज इक्वल्स टू वन बाई जेड, उसमें हमने पुट किया तो उससे हमें u v का वैल्यू मिल गया, v इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू ए, और उसे हमने w प्लेन प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ एग्जांपल से आपको समझाने के लिए ट्राई किया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक से कुछ और क्वेश्चन लीजिए और ट्राई कर लिए, अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।